नमस्कार कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं है है बीजेपी मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे लाचार सीएम बताया साथ ही महा विकास अघाड़ी सरकार को राज्य चलाने में नाकाबिल बताया इतना ही नहीं नारायण राणे ने आगे कहा कि आसमान तप रहा है गर्मी बढ़ रही है और बिजली का संकट खड़ा हो गया है नारायण राणे ने सवाल किया कि इससे पहले की सरकार में लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी तो अब क्यों होना शुरू हो गया जनता को अंधेरे में रख रही है उद्धव सरकार लेकिन इस अंधेरे के लिए जिम्मेदार कौन है तो आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नारायण रानी ने एक बार फिर से उद्धव सरकार पर हमला बोला है वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एक लाचार सीएम देखिए उन्होंने कई सारी बातें कही उन्होंने बिजली का एक बहाना निकाला और कहा कि पहले की सरकारों में लोडशेडिंग नहीं होता था अब हो रहा है फिर उन्होंने एक और बात कह दी कि सरकार महाराष्ट्र की जनता को अंधकार में रख रही है दो तीन चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि ये सरकार जिस हिसाब से चलाई जा रही है उससे महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अघाड़ी में हैं इन लोगों के एक साथ होने के बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी अलग अलग चुनावों में कर रही है वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र की जनता इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं है कई सारे वजह हैं वैसे आज के ज़माने में जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन होता है वो थोड़ी हाई क्योंकि उनको और भी राज्यों के बारे में मालूम चलता है और भी मुख्यमंत्रियों के बारे में मालूम चलता है और एक ऐसे दौर में ये अघाड़ी सरकार आई जिसमें विपत्तियों का अंबार लगा हुआ था इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई लेकिन इकॉनमी हिंदुस्तान की नहीं महाराष्ट्र की नहीं पूरी दुनिया की वो डाउन है प्लस कोरोना कोरोना का मिसमैनेजमेंट जिस हिसाब से हुआ वो अपने आप में इस सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करता है क्योंकि सबसे ज्यादा मौत हुई महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि सरकार की पार्टियां ने ही वहां से लोगों को भगाया कि भाई ट्रेन दे रहे हैं जाओ अपने घर जाओ हमसे व्यवस्था नहीं हो सकता वर्कर्स चले गए काम कैसे होगा प्लस हालांकि यह कहना पड़ेगा कि बहुत सारी जगहों पे खासकर के मुंबई में मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हुआ जिस तरह से केजरीवाल ने गुफअप किया दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के उस तरह का गुफअप नहीं हुआ कई सारे प्लस पॉइंट्स हैं इस सरकार में कि कोरोना के दौरान इन लोगों ने ठीक ठाक काम लेकिन मौतें हुई इससे भी नकारा नहीं जा सकता तो प्लस माइनस दोनों ही है लेकिन पब्लिक की एक्सपेक्टेशन का क्या करें राजनीति तो परसेप्शन पे चलती है राजनीति में अगर लोगों को इस बात से नाराजगी कि सरकार काम ठीक से नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती अब इसमें आप जनता को तो समझा नहीं सकते ये परसेप्शन बन गया तो एक तो काम काज और दूसरा जिस तरह की घटनाएं हुई चाहे वो पालघर हो चाहे वो सुशांत का मसला हो चाहे अर्नब गोस्वामी का मसला हो चाहे कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाने का मसला हो ये परसेप्शन वाइज जो है पब्लिक के मस्तिष्क में वो घर कर गया कि सरकार ठीक नहीं है ये काम ठीक नहीं कर रही छोटे मसले ही ये सब ज़्यादा कोई ये नहीं है लेकिन परसेप्शन बन गया तो बन गया उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा पब्लिक तो पब्लिक है डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि भाई आप अपना बेस्ट भी कर रहे हो हर सरकार अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नाराजगी तो नाराजगी है उसको कैसे आप हैंडल करेंगे टैकल करेंगे लेकिन दो तीन चीजें और भी ऐसी हुई जिससे यह पूरा का पूरा अघाड़ी सरकार का जो इमेज है वो रसातल में चला गया वो उगाही का मसला, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर खुला खेल फरुखाबादी जो चल रहा था लूट खसोट, पैसा दो मनचाहा पोस्टिंग पाओ यही खेल चल रहा था फिर उसके बाद ड्रग्स माफिया के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई और सरकार खड़ी नजर आई दोषियों के साथ ऐसा इमेज गया कि ड्रग पेडलर्स को बचाने का काम कर रही है क्योंकि एजेंसियों के खिलाफ ही आप खड़े हो गए एक ईमानदार अधिकारी समीर वानखेड़े उसको आपने जलील कर दिया उसकी पत्नी उसकी बहन उसके पिता क्या नहीं किया तो उससे भी इमेज जो है वो फिर एक और घटना घट गई बॉलीवुड को लेकर के शाहरुख खान को लेकर के और ये सब तो चीजें थी ही थी जो कुछ बचा खुचा कसर था वो ईडी और इनकम टैक्स ने ताबड़तोड़ छापेमारी करना जब शुरू किया और सरकार और सरकार की में शामिल पार्टियों के नेताओं के घरों को सील करना चालू कर दिया जब्त तो करने लग गए जो सरकार के मुख्य माने जो मुख्य प्रवक्ता उनके घर को सील किया जा रहा है बीएमसी जहां शिवसेना का पूरा साख है वहां उसके स्टैंडिंग कमिटी के जो चीफ हैं यशवंत जाधव भाई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को सील किया गया इतना बड़ा पत्नी एम है और लूट इतनी बड़ी आपके दो दो मंत्री जेल के अंदर किस चीज में एक उगाही के केस में बार बालाओं और बार रेस्टोरेंट्स और इन सबसे उगाही का काम सौ करोड़ का टारगेट लेने वाला बोल रहा है हमने दिया जिसने वसूली की सचिन वाजे वो कह रहा है कि भाई ये ईडी कह रही है कि आपका गृह मंत्री ही उसका मास्टरमाइंड है सीबीआई कह रही है कि भाई चार सौ खा गए इसने चट कर गए और जो कुछ बचा रहा वो सरकारी वकील के घर किसी ने गिफ्ट दे दिया वो घड़ी लगा दिया उसने और घड़ी में कैमरा था वो सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई तो आप देखिए कि कितना ज्यादा जो एम्बेरसिंग मोमेंट्स इस अघाड़ी सरकार को झेलना पड़ा है अब इतनी सारी चीजों के बाद यह सवाल कि क्या मुख्यमंत्री लाचार हैं बिल्कुल लाचार हैं कि अगर कोई सख्त लीडर होता जो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकता था तो किसी मंत्री की हिम्मत नहीं कि वो इस तरह का लूट मचा दे किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो अपने कार के अंदर वो भी अदरा सा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करण काउंटिंग मशीन को लेकर के वो घूम रहा है मुंबई में पागल हाथी की तरह और किसी रेस्टोरेंट में घुस जाए किसी बार में घुस जाए पैसे दो ये नहीं होता मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं केंद्र सरकार में किसी की हिम्मत है किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो अंडर हैंड डील कर ले खौफ डर लगा रहता है प्रधानमंत्री तक अगर खबर चली गई तो खेल खत्म कुछ लोगों ने इधर उधर किया तुरंत कार्रवाई तुरंत एक्शन बड़े बड़े नाम मंत्रिमंडल के लिस्ट से गायब क्यों किसी की हिम्मत है कि भाई योगी यू उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में कोई इस तरह का काम कर सके तो जो लीडर होता है वो लाचार हो जाए वो अपने से डिसीजन ना ले सके तो वो पूरी समस्या वहीं से पैदा होती है और इसलिए सरकार लचर हो जाती है लोगों के अंदर इमेज भी खराब जाता है और पब्लिक इस तरह की सरकारों को बहुत बेदर्दी से उस पर फैसला करती है कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार लाचार प्रधानमंत्री तो हस्र क्या हुआ कांग्रेस पार्टी का उसी रास्ते पे ये अघाड़ी सरकार जा रही है और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी अगर कोई होगा तो वो शिवसेना होगी जी बिल्कुल आपने कई अहम मुद्दे गिनाए जिस वजह से अघाड़ी सरकार की इमेज जो है वो खराब हो रही है और जनता भी अब इस बात को समझ रही है। लेकिन सरकार बनी ही किस आधार पे लाचारी इस बात की है कि शिवसेना के पास बहुमत नहीं है जी। शिवसेना उन लोगों के साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाई जिसमें वो अपने दुश्मनों से उन्होंने हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ चुनाव के दौरान ये गालियां दे रहे थे जिनके खिलाफ की नारेबाजी कर रहे थे जिन नेताओं के खिलाफ शिव सैनिक प्रचार प्रसार और अपना बलिदान दे रहे थे त्याग कर रहे थे जिनसे लड़ रहे थे आज उद्धव ठाकरे के बगल में बैठ के वही विरोधी पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के दुश्मन पार्टियों के लोग मंत्रिमंडल में हैं सबके पास खंजर है जिसको जब जहां मौका मिलेगा वो खंजर अपने ही सहयोगी को वो उससे घात पहुंचाएगा ये हकीकत है कि शिवसेना और एनसीपी थ्रू आउट थ्रूआउट लड़ती आई कांग्रेस पार्टी से लड़ती आई अब उन्हीं के समर्थन से आप सरकार चलाएंगे तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं मुख्यमंत्री का जो लाचारी उसी दिन समझ में आ गया जब यह सरकार बनने से पहले यह घोषणा कर दी जाती है कि शरद पवार इस सरकार के ड्राइवर होंगे ठीक लाचारी क्या होती है जैसे यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकते थे मैं तो ये खुले आम कहता हूं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अगर अब तक आजाद भारत में कोई कलंकित आदमी बैठा जिसने उस चेयर को कलंकित कर दिया वो मनमोहन सिंह भाई चार पांच लोगों की पार्टी जिसमें चंद्रशेखर चीफ मिनिस्टर बने प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन वो भी अपना दंभ रखते थे किस किस मंत्री को क्या मंत्रालय दिया जाएगा किसे मंत्री बनाया जाएगा किसका क्या विभाग होगा वो प्रधानमंत्री खुद तय करता था ये आदमी तो मनमोहन सिंह वैसे व्यक्ति निकले जिनके पास ये सामर्थ्य नहीं था कि भाई चीफ कौन मंत्री बनेगा और किसका क्या डिपार्टमेंट होगा ये सोनिया गांधी तय करती थी ये शरद पवार तय कर रहे हैं वहां सारे लोग अपने मन से फैसला लिया करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चिट्ठी जाती थी मंत्रियों को बड़े बड़े मंत्रियों को कि आप लोग जो फैसला लेते हैं प्लीज इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑल्सो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है चाहे वो कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हों चाहे एनसीपी के बड़े बड़े अपने हिसाब से काम करते हैं पता नहीं चलता है अभी हाल में एक घटना घटी बहस हो गया खबर यह आई कि एक दो घंटे की मीटिंग हुई गृहमंत्री के पास गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच और दोनों में बहस जब गृहमंत्री मुख्यमंत्री से बहस करने लग जाए तो मुख्यमंत्री की साख कहां बची और लगातार इस तरह से घटनाएं घट रही है इनके पास कोई उसको कह सकते हैं कि कोई डिसीजन लेने का कोई तरीका नहीं है यही लाचारी इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा श्राप है सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी सरकार में है उस पार्टी का जो चीफ है वो कह रहा है कि हम तो अकेले लड़ेंगे हमें नहीं लेना देना अरे भाई अकेले जब चुनाव लड़ोगे तो किसके खिलाफ लड़ोगे एनसीपी के खिलाफ लड़ोगे बीजेपी के खिलाफ लड़ोगे और शिवसेना के खिलाफ लड़ोगे अगर कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ती है तो इन्हीं तीनों के खिलाफ तो आप लड़ोगे तो आप इनके खिलाफ लड़ोगे और उनके साथ बैठ के मलाई भी खाओगे मंत्रालय का लाचारी देखिए किस हिसाब से है आप अभी तक स्पीकर नहीं चुन, चुन पा रहे हो डर लग रहा है पता नहीं क्या हो जाए कोई घटना घटती है शरद पवार के पास जा संजय राउत को भेजना पड़ता है वो भी पब्लिक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे हमसे तो ये तमाम तरह की चीजें किसी भी मन, लीडर का मतलब होता है कि जो उसके जुबान से निकले जो वो सोचे वो बिल्कुल अक्षरशह वो नीतियों में परिलक्षित हो यहां तो खेली खराब है मालूम चलता है क्योंकि क्योंकि कारण क्या है आप ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा करेंगे कहीं का ईट कहीं का अड़ोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा अब ये जो जोड़ दिया इन्होंने वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा है कि आप कांग्रेस के साथ सरकार भी चला रहे हो और उधर राहुल गांधी आपके आयकॉन्स को वो गाड़ियां दे रहे हैं जी। पूरी पार्टी शिवसेना की खड़ी हुई थी मुंबई ब्लास्ट के बाद जिस हिसाब से मुंबई को दहला दिया गया था तो जो लोग उन आतंकियों को बचा रहे थे उनके साथ सिंपथाइज कर रहे थे आप उनके साथ हाथ मिला लिए तो ये चारों तरफ से जो विपत्ति है वो लाचारी का मुख्य वजह है क्योंकि भाई आपके पास आपने एक इमोरल गठबंधन क्रिएट किया है तो इसका तो भुगतना तो पड़ेगा ही जिक्र नारायण रानी ने भी किया है कि लोग समर्थन वापस ले रहे हैं संजय राउत को लेकर बोला है कि अब वो अकेले पड़ गए हैं देखिए संजय राउत ने कह दिया आप बताइए संजय राउत कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि हम शरद पवार के आदमी हैं प्रवक्ता आप शिवसेना के हो कल तक यही शिवसेना एनसीपी के साथ सड़कों पर लड़ रही थी तो ये दिक्कत है और मैं आपको बताऊं इस लाचारी की वजह से शिवसेना के जो हार्ड कोर समर्थक हैं वोटर्स हैं जो लोग शिवसेना को वोट देते आए हैं वो भी कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या चल रहा है हमें क्या एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करना पड़ेगा ये इतना बड़ा भार सिर्फ सैनिकों के माथे है जिसका अंदाजा शायद उद्धव ठाकरे को नहीं है और इसीलिए ये लाचारी ये धीरे 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 करके शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल है कि क्या महाविकास है की संजय राउत अपनी ही पार्टी में अकेले हो गए हैं नारायण राणे के इस सवाल पे आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट करके जरूर बताए आज के खास शो में फिलहाल इतना ही नमस्कार